चैन साहब जल्दी से बताइए ऐसी नौबत क्यों आ गई? आरोप तो यही लग रहा है ना कि उन लोगों को खाने से रोका जा रहा था जिसकी वजह से ये हिंसा की गई है। नहीं देखिए अंजना जी, जहां तक हिंसा की बात है, जिस प्रकार से हम जानते हैं लेफ्ट की और जो वामपंथियों की पूरी एक इतिहास रहा है, किस तरीके हिंसा का एक इतिहास रहा है, हम पूरी दुनिया के अंदर देखा है हम लोगों ने। लेकिन जहां तक जेएनयू की बात है, कल के इनसे क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, झूठी मीट नॉन वेज नहीं खाने देना, ये नहीं करना, देखिए 18 हॉस्टल जेएनयू के अंदर है और 18 हॉस्टल में कहीं पर भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ कावेरी के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से आगे प्रेस रिलीज है जेएनयू की, मैं चाहता हूं दिखाइए, प्रेस रिलीज में क्लियर लिखा है कि रामनवमी और हवन की वहां पर पूजा हो रही थी, उसको रोकने की प्रयास, कुछ स्टूडेंट्स वहां ऑब्जेक्शन कर रहे थे, ठीक है, वहां इफ्तार पार्टी भी होती है, किसी ने उसको मना नहीं किया, किसी को दिक्कत नहीं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं ना, अगर हवन पूजन हो रहा है उसके बाद उसको दिक्कत इनको इससे थी। देखिए आज जो लड़ाई है वहां पर जेएनयू के अंदर, जिस तरीके से आज लड़ाई है, एक तरफ भारत माता की जय कहने वालों की और एक तरफ भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी होगी, उस जंग रहेगी, आज उन लोगों की लड़ाई है। तो इस जिस प्रकार से आज जेएनयू जैसे इतने अच्छे विश्वविद्यालय का नाम खराब करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, महत्वपूर्ण विषय जिस तरीके से मीट की बात की जा रही है कि वहां पर नॉनवेज, देखिए नॉनवेज कभी वहां पर किस प्रकार से, जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा। विषय यहां पर यह है कि रामनवमी का वहां पर क्यों हो रही थी, इनको दिक्कत रामनवमी से थी और वहां पर पूरी बाकायदा फेक वहां पर जिस तरीके से नोटिस इशू किया गया, रामनवमी का जो वहां पर जो रामनवमी है उसको किस तरीके से ना हो उसका प्रयास किया गया, उसको टालने का प्रयास किया गया, पूरा एक षड्यंत्र पूरा किया गया। वेबसाइट ट्विटर हैंडल पर पड़ी हुई, आप देख लीजिएगा जी। नहीं, मैंने वही प्रेस रिलीज निकाल लिया है, ये ट्विटर हैंडल पर ही है, आप देख लीजिए, जेन्युइन प्रेस रिलीज, मैं जेन्युइन दिखाता हूं, आप फर्जी बातें नहीं करता, सीधा रजिस्ट्रार का ही कहना है। मैं तो प्रेस नोट दे दीजिए, देखिए मुझे लगता है अंजना जी आज यहाँ पर स्थिति जो है जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण के अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जेएनयू के अंदर अगर पूरे माहौल खराब करने का प्रयास लगातार जो वामपंथी है वो लगातार कर रहे हैं। हमने देखा होली के समय भी जिस तरीके से वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता आम स्टूडेंट जो है उनके ऊपर हमला करा जा रहा है, आज कल भी देखा, अभी बहनों को हम सुना रहे थे किस प्रकार से जो वहां पर बहने थी वो कह रही थी जो लेफ्ट के गुंडे उन्होंने हमला किया। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जेएनयू के अंदर इस तरीके की घटना है। आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं ना, वह ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लड़कियां हैं जो कह रही है कि लेफ्ट के गुंडों ने, लेफ्ट के गुंडों जो आप बता रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए अगर वहां अगर वहां पर नॉनवेज बनता, एक सेकेंड जी, नियम से चलेगा ना कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी, ऐसा थोड़ी होगा कि आप कह देंगे आज तो आज रामनवमी ऐसे आज नहीं बनेगा, किसी ने नहीं कहा, अंजना जी, कहना पड़ेगा अंजना जी, क्या ये सच नहीं है? एक सेकंड क्या ये सच नहीं है, मैं आ रही हूँ, क्या ये सच नहीं है कि जो वहां पर सप्लायर आया उसको भगाया गया वापस? अंजना जी हाँ या ना बोले? अंजना जी देखिए बिल्कुल भी नहीं, आप बताइए, नहीं लौटाया गया मेरे हॉस्टल में कल चिकन बनाया, चिकन बिरयानी बनाया, सेम डीलर वहां भी सप्लाई किया बिरयानी के लिए, चिकन पेरियार में भी हुआ, जहाँ के प्रेसिडेंट है पेरियार में भी चिकन, 9 दिन से नवरात्रा चल रहा था, चिकन मेस में बना, हम क्यों मना करेंगे, हिंदू मुस्लिम कहाँ गया? अरे ये कराना चाहते हैं, कहाँ है ये, कैसे हिंदू मुस्लिम, अरे क्यों ये हिंदू बच्चे नहीं है क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये हिंदू बच्चे में लगे हुए इसको, आप लगे हुए हैं, वामपंथी लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, वो क्या कर लेंगे इसको, कह रहे प्रोफेसर दिनेश वाजपेयी, देखिए अंजना जी बात ये क्या कह रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं उसकी नहीं है, बात ये है कि विश्वविद्यालयों में आम तौर पे जो मेस कमेटी या हॉस्टल कमेटी होती है वो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं और उनके प्रेमिसेस में आप कोई भी परमिशन लेंगे या तो वार्डन से या प्रोवोस्ट से या उस कमेटी से परमिशन लेंगे, ये एक रूल है। मेरे कॉलेज में भी या मेरी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे कोई पूजा वूजा करते हैं आप कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में करें, किसी को पूजा पे भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी को खाने पे भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी, पर एक लगातार एक महम चलाया जा रहा है। इससे पहले भी जेएनयू में टीचरों पे अटैक हुआ, आज तक कोई अरेस्ट हुआ इनका आदमी नहीं हुआ ना, इसका मतलब ये मिली भगत है। और ये मिली भगत पता है क्यों है, ये मिली भगत ये टारगेटेड जेएनयू पे अटैक कर रहे हैं क्योंकि जेएनयू जो है इनको और इनकी सरकार को वैचारिक तौर पे दार्शनिक तौर पे चैलेंज करती है, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये हिप्पोक्रेट है। आप कहीं और ही ले गए? नहीं मैं ले नहीं ले गया, मैं सही ले जा रहा हूँ। आपको लगा यही मौका है वाम दलों को जिंदा कर दिया जाए? कैसी बात कर रहे हैं सर अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, जो पहले टीचरों पे अटैक हुआ वो गिरफ्तार हुए, बड़ी खबर पहले बता, जिन्होंने पहले टीचरों पे अटैक, FIR दर्ज हो गई है एबीवीपी छात्रों की शिकायत पर, ये FIR दर्ज की गई है एबीवीपी छात्रों ने, वो तो दो FIR दर्ज होंगी ना, एक इन्होंने की एक उन्होंने की, वो तो बाद में इंक्वायरी, हाँ वो तो इंक्वायरी होगी, जो भी होगी इंक्वायरी होगी,
प्रश्न ये उठता है कि आप विश्वविद्यालय में सामंजस्य से रहिए, आपसे झगड़े ना कीजिए, विश्वविद्यालय को शिक्षा का केंद्र रहने दीजिए, समर्पण कर दीजिए, सिर झुकाते रहिए तो शांति से चलेगा। नहीं तो बाम एक प्रश्न उठा नहीं तो सांप्रदायिक विचारधारा के आगे समर्पण कर दे, हिंदू मुसलमान के आगे समर्पण कर दे, मीट खाना है नहीं खाना इसके आगे समर्पण कर दे, क्या बात करेंगे? ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा? ये देश टीचरों का अटैक करने चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा? विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय चलेगा बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं। बनासकांठा में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? एक मिनट नंदिना जी, साउथ दिल्ली के मेयर ने क्या बोल दिया? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम परिषद में जो बीजेपी का है उसने क्या ऑर्डर पास किया है? क्या ऑर्डर पास किया कि बीजेपी खाएंगे? क्या ये रमजान में सुबह 5 बजे से शाम के रमजान करते हैं? नहीं कहेंगे क्या ये? इन्हें से चिल्ला चिल्ला के संविधान से आपने कुछ नहीं बोला? आपकी तरकीब इनको सही बात को सामने नहीं जाने देना। अरे आप लोग प्रोफेसर हैं, कैसा एग्जांपल सेट कर रहे हैं? नहीं प्रोफेसर इसका मतलब ये नहीं कि बोलने देंगे। आपके लोगों ने हमले किया, आज तक गिरफ्तार हुआ एक भी गिरफ्तार हुआ तो आज है? जेएनयू का टूट अप, जेएनयू के प्रेजिडेंट का हमला किया, जेएनयू के टीचर में हमला किया, 4 घंटे लगातार किया, एक गिरफ्तारी नहीं हुई आपको? एक गिरफ्तारी नहीं हुई आपको? अच्छा सुनिए भाई, हम भी बोल रहे हैं भैया। अरे भाई हमारे भी गलत हो गए, देख रहे हैं आप? रोटी रोजी पे बात नहीं लाना चाहते, बेरोजगारी पे नहीं लाना चाहते, महंगाई पे नहीं लाना चाहते, नैरेटिव बदलोगे आप लोग, सेम चीज कर रहे हैं। नैरेटिव बदलोगे, नैरेटिव बदलोगे, शिक्षा का राजीकरण कर रहे हो, बात करके समझ सकते हो, रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो। अंजना जी, अभी इन्होंने कहा कौन सा विचार, तो कौन से विचार की बात कर रहे हैं? हाँ। जिस विचार में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाए जाते हैं, गिरफ्तार गिरफ्तार किया आपने या उस विचार की बात करें जिसमें राम जी को गिरफ्तार जलाया जाता है, जो विचार की बात करते हैं या उस विचार की बात करते हैं जिसके अंदर दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं और आप उनके म्यूजिकल राइट का आयोजन करते हैं? शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म है, आपको पूरे देश को शर्म दिया है और जेएनयू परिसर से भी आप खड़े हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आ रहा आप किस विचार की बात कर रहे हैं? दंतेवाड़ा के अंदर 76 लोग शहीद हो गए, आप उसके ऊपर म्यूजिकल लाइट का आयोजन करते हैं, आप माता को और माँ दुर्गा को वैश्य करते हैं, और आप संविधान की बात नहीं करते हैं। ये संविधान की बात नहीं कर सकते। आज पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर पहली बार डोम को, एक दलित जाति के व्यक्ति को पोलिट ब्यूरो का मेंबर बनाया गया। डेमोक्रेसी की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। और प्लीज आप लोगों से मैं कह रही हूं, अगर आप लोग सभ्य तरीके से बहस कर सकते हैं तो यहां रहिए, वरना चले जाइए। प्लीज एक साथ मत चिल्लाइए।